अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर चैप्टर टू रानी लक्ष्मीबाई का टाइम टू आंसर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ए है। नंबर वन, रानी लक्ष्मीबाई वाज द ग्रेट ब्लैंक ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम। इंडियन फ्रीडम की फर्स्ट वॉर की रानी लक्ष्मीबाई ग्रेट क्या थी? ग्रेट हीरोइन थी, ग्रेट एक्ट्रेस थी, ग्रेट वॉरियर थी। आंसर हो जाएगा ग्रेट हीरोइन थी, हीरोइन पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज ओनली। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माँ को खो दिया जब वो सिर्फ कितने साल की थी? 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 6 ईयर्स? तो आंसर है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, मनु लेटर बिकम द वाइफ ऑफ राजा गंगाधर राव। महाराजा ऑफ झांसी इन जो रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव से शादी जो हुई उसकी वाइफ बनी थी किस सन में? 1871, 1882 और 1842। जिसका आंसर है 1842 में। नेक्स्ट देखिए, नंबर फोर, रानी लक्ष्मीबाई रिफ्यूज टू सरेंडर हर डैश टू ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई ने सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। किस चीज को? हस्बैंड को, मदरलैंड को और झांसी को। इसका आंसर है झांसी को। झांसी को सरेंडर करने से मना कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई यूज टू एक्सरसाइज लाइटली इन द, रानी लक्ष्मीबाई हल्की एक्सरसाइज करती थी कब? इवनिंग में, मॉर्निंग में या नाइट में? जिसका आंसर है इवनिंग में किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में आपको ये वर्ड भरना है, कमांडर, ब्रिटिश, टेंडर, 1857 एंड झांसी। चलिए देखते हैं कहाँ आएगा। नंबर वन, रानी लक्ष्मीबाई बिकेम अ विडो एट द टेंडर एज ऑफ 18। यहाँ पर टेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर द मैरिज ऑफ राजा गंगाधर राव मनु वॉज नोन एज महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। द ब्रिटिश ट्राइड टू बाय ऑफ झांसी आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव। गंगाधर राव की डेथ के बाद ब्रिटिश ने झांसी को खरीदने की कोशिश की, ब्रिटिश ने। नेक्स्ट है, ऑल द डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग पैटर्न्स केम इन यूज ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी इन 1857। जो उसकी ट्रेनिंग थी और जो डिसिप्लिन था रानी लक्ष्मीबाई का, वो कब काम आया था? जब 1857 की जो बगावत हुई थी उसमें वो सब काम आया था। नंबर फाइव, द ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज स्टेटेड, ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने कहा था, क्या कहा था? ऑफ द म्यूटिनियर्स द ब्रेवेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट कमांडर वॉज द रानी। जितने भी बागी थे उन सब में सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रानी जो थी वो क्या थी? कमांडर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द ट्रू एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। एट बर्थ शी वॉज नेम्ड जूही। जन्म के समय उसका नाम जूही रखा गया था, रॉन्ग। इन 1851 महारानी लक्ष्मीबाई बोर अ सन। 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई को एक बेटा पैदा हुआ, सही है, टिक कर देंगे। द महाराजा एंड महारानी एडॉप्टेड अ बॉय। जब उनके एक बेटे की डेथ हो गई थी तो उन्होंने एक बेटे को, एक लड़के को एडॉप्ट किया था, गोद लिया था, बिल्कुल सही है। महारानी लक्ष्मीबाई वुड गो थ्रू सम रिलीजियस बुक्स एंड हियर रिलीजियस सर्मन्स। महारानी लक्ष्मीबाई कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी और धार्मिक प्रवचन सुना करती थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, एक बड़ी जद्दोजहद के बाद द रानी डाइड, रानी की डेथ हो गई। मटरिंग कोट्स, कोट्स पढ़ते हुए फ्रॉम द रामायण, रामायण के कोट पढ़ते हुए उसकी डेथ हो गई। तो ये रॉन्ग है, रामायण के कोट पढ़ते हुए नहीं हुई थी बल्कि भगवत गीता के कोट पढ़ते हुए उसकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ यंग मनु। यंग मनु की लाइफ के बारे में कुछ हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, द यंग मनु अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर मदर। जो यंग मनु थी उसकी बदकिस्मती से उसने अपनी मदर को खो दी, व्हेन शी वाज ओनली 4, जब वो 4 साल की थी। अलॉन्ग विथ फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आमतौर से बच्चे हासिल करते हैं, उसके साथ साथ शी एक्वायर्ड द स्किल, उसने स्किल्स, कुछ स्पेशल स्किल्स उसने सीखी थी, जैसे कि इन सोर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग। ये इसका आंसर हो सकता है। आप अपने हिसाब से आंसर चेंज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मनु बिकम महारानी लक्ष्मीबाई। मनु महारानी लक्ष्मीबाई कैसे बनी? मनु बिकेम द वाइफ ऑफ राजा गंगाधर राव। मनु राजा गंगाधर राव की वाइफ बनी। महाराजा ऑफ झांसी, जो कि महाराजा थे झांसी के, इन 1842 में। फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड्स, आगे, शी वॉज नोन एज, तब वो जानी जाने लगी महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महारानी एंड महाराजा अडॉप्ट अ चाइल्ड। अडॉप्ट क्यों किया था महारानी और महाराजा ने उनके चाइल्ड को? क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन 1851 महारानी लक्ष्मीबाई बोर अ सन, एक बेटे को जन्म दिया 1851 में। बट ही, हर फेट वॉज क्रूअल, लेकिन उसकी बदकिस्मती से, उसकी किस्मत
अच्छी नहीं थी एंड शी लॉस्ट हर सन हर चाइल्ड अपने बेटे को खो दिया विद इन 3 मंथ्स 3 महीने में सो महारानी एंड महाराजा अडॉप्टेड अ चाइल्ड तो महारानी और महाराजा ने एक सन को एक बेटे को अडॉप्ट किया क्वेश्चन फोर हु वाज सर ह्यू रोज कौन था सर ह्यू रोज वाज अ ब्रिटिश जनरल एक ब्रिटिश जनरल था ये हु अटैक झांसी जिसने झांसी पर अटैक किया ऑन 17 मार्च 1858 में 17 मार्च को उसने झांसी पर हमला किया था क्वेश्चन फाइव व्हाट डिड सर ह्यू रोज कमेंट अबाउट लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई के बारे में सर ह्यू रोज ने क्या कहा था ही स्टेटेड उसने कहा था ऑफ द म्यूटिनियर्स जितने भी बागी हैं उनमें से द ब्रेवेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सबसे महान और सबसे बहादुर कमांडर वॉज द रानी रानी थी आगे देखिए फन विद ग्रामर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम सेंटेंसेस के टाइप कितने होते हैं सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट सेंटेंस को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उनके कंटेंट के हिसाब से हियर आर द मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यहां आपको कुछ मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं तो याद रखिए सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस नंबर वन असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस क्या होता है अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है इस कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं दिस सेंटेंस मे बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस या तो नेगेटिव भी हो सकता है नेगेटिव और अफर्मेटिव यानी जिसमें सीधी बात कही जाती है वो अफर्मेटिव कहलाता है और जिसमें नहीं नॉट के साथ बात की जाती है उसे नेगेटिव कहा जाता है दिस सेंटेंस इज मार्क्ड बाय फुल स्टॉप इस सेंटेंस को आखिर इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है एट द एंड आखिरी में एग्जाम्पल देखिए वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द आकाश पब्लिक स्कूल हम स्टूडेंट्स हैं आकाश पब्लिक स्कूल के ये क्या है असर्टिव सेंटेंस है रॉबिन एंड एलेस्टर हैव कम टू टेक द एग्जाम रॉबिन और एलेस्टर आए एग्जाम देने के लिए ये फुल स्टॉप लगा देखिए यहाँ पर ये भी असर्टिव सेंटेंस है माय ब्रदर इज एन इंजीनियर मेरा भाई एक इंजीनियर है ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है हिंदी में जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं क्या होता है देखिए अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बिगिन विद इज एन आर हैज हैव विल कैन शुड एटसेट्रा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो जनरली आमतौर से किन वर्ड से शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से जैसे कि इज है एम ए आर हैज हैव विल कैन शुड एटसेट्रा हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो और विद डब्ल्यू एच वर्ड या फिर इनके अलावा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि वाय लाइक जैसे कि व्हाट व्हेन वेयर हु व्हाई और इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ठीक है तो इन्हें डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं और ये सारे के सारे क्या है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है दिस सेंटेंस इज मार्क्ड बाय इंटरोगेशन साइन ये जो सेंटेंस है इसे पहचाना जा सकता है किसी से इंटरोगेशन साइन से ये देखिए ये जो निशान है इसे कहते हैं इंटरोगेशन साइन इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह और उर्दू में इसे कहते हैं सवालिया निशान हु विल गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन मेरे सवाल का जवाब कौन देगा ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा देखिए और लास्ट में इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट देखिए इज ही योर यंगर ब्रदर क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी में देखिए क्वेश्चन मार्क है इससे हमें पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है चलिए अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव अ कमांड एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कमांड देते हैं ऑर्डर देते हैं हुक्म देते हैं और टू मेक अ रिक्वेस्ट या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट विजिबल बट इट इज यू जो सब्जेक्ट होता है वो इनविजिबल होता है यानी छुपा हुआ होता है जैसे हम किसी को बोलेंगे ये काम करो तो वहां तुम जो है वो उसके अंदर छुपा हुआ है इसी तरीके से इंग्लिश में भी यू जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस में छुपा हुआ होता है दिस सेंटेंस इज मार्क्ड बाय फुल स्टॉप एट द एंड इन सेंटेंस में भी आखिरी में फुल स्टॉप होता है एग्जाम्पल देखिए कम एंड सिट हेयर विद मी यहां आओ और बैठो मेरे साथ यहां तुम जो है तुम से कहा जा रहा है और तुम जो है यू जो है हिडन है प्लीज शट द डोर आफ्टर यू आपके आने के बाद प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है तो ये कमांड है और ये रिक्वेस्ट है कमांड और रिक्वेस्ट के लिए जो सेंटेंस बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव यानी नहीं
अ सेंटेंस विच हैज नो नॉट और नेवर इन इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या लगा हुआ हो, या तो नो लगा हो या नॉट लगा हो या नेवर लगा हो, इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. दिस सेंटेंस इज मार्क्ड बाय फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में भी आखिर में एट द एंड क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं टू स्पेंड ऑन लग्जरीज, लग्जरीज पर स्पेंड करने के लिए. यहाँ देखिए नो आ गया. आई डिड नॉट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठा यस्टरडे, कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग. चलिए अब देखेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सम सडन फीलिंग. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें सडन फीलिंग बताते हैं, अचानक कोई हमें फीलिंग्स आती हैं जो उसे बताते हैं. ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, जो बोलने वाला है उसके. इट इज मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो है इसे पहचाना जा सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. ये देखिए एक इस तरीके से एक लाइन होती है और उसके नीचे एक डॉट लगा होता है. इस निशान को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, और उर्दू में ताज्जुबिया कहते हैं इसे. तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इनमें कुछ खास वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हे, हुर्रे, अलास, आह, इस तरीके से. यहाँ जो एग्जाम्पल दिया उसमें देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस इज दिस, कितना खूबसूरत महल है ये. और यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया. नेक्स्ट देखिए, हाउ हॉरिबल द सीन वॉज, कितना भयानक सीन था. यहाँ पर भी ये विस्मयादिबोधक इंपरेटिव एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. तो ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक द असर्टिव, अंडरलाइन द इंटरोगेटिव, एंड सर्कल द इंपरेटिव, एंड पुट इनटू ब्रैकेट्स द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर क्या क्या करना है हमें, देखिए चार किस्म के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इनमें से जो असर्टिव होगा उस असर्टिव को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा उसे हम एंड सर्किल करेंगे, और ब्रैकेट लगाएंगे किसमें, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें ब्रैकेट लगाएंगे. चार हमें यहाँ पर साइन लगाना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले, आई हैव टू क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व, मेरे पास मैथमेटिक्स के दो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए. ये क्या सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है. तो हम इसमें क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे. नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू परसुएड योर मदर अबाउट द पिकनिक, तुम अपनी मदर को किस तरह पिकनिक के लिए किस तरह मनाओगे, किस तरह तैयार करोगे. तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सवाल किया जा रहा है. तो ये क्या सेंटेंस क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है. तो हमें इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. नेक्स्ट है, गेट माय लेटर पोस्टेड, मेरा लेटर पोस्ट कर दो, हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर. तो जब हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है. और इंपरेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, एंड सर्किल करना है. तो हम इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, एंड सर्किल कर देंगे. नेक्स्ट है देखिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, तुम्हें अपना वक्त इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए. ये क्या सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस हमें क्या करना है, टिक कर देना है, टिक कर देंगे. और नेक्स्ट है, व्हाट अ मैस यू हैव मेड, किस कैसा तुमने ये मैस कर दिया है, क्या गड़बड़ कर दी है इसे आपने. ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा हुआ है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या करना था, ब्रैकेट लगाना था. हम यहाँ पर इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे. नेक्स्ट देखिए, एफ, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इनके हमको. पहला देखिए, अनिरुद्ध इज द टॉपर ऑफ अवर क्लास, अनिरुद्ध हमारी क्लास का टॉपर है. इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इज जो है ये पहले चला जाएगा, इज उठकर सामने चला जाएगा. इज अनिरुद्ध द टॉपर ऑफ अवर क्लास, क्या अनिरुद्ध हमारी क्लास का टॉपर है. नेक्स्ट है, ओशीन हैज टेकन हर लंच, ओशीन ने अपना लंच ले लिया है. इसमें भी क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्क को उठाकर सामने लगा देना है. हैज ओशीन टेकन हर लंच, क्या ओशीन ने अपना लंच ले लिया है. नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल हैज पनिश द डिफॉल्टर्स, प्रिंसिपल ने डिफॉल्टर्स को पनिश किया है. सिंपल है बिल्कुल, हेल्पिंग वर्क को उठाकर हमें सामने लगा देना है. हैज, हैव, हैज, इज, एम, आर, यू भी आते हैं, इनको उठाकर हमें सामने लगा देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है. हैज द प्रिंसिपल पनिश द डिफॉल्टर्स, क्या प्रिंसिपल ने डिफॉल्टर्स को पनिश किया है. नंबर फोर, ही विल रीच हेयर बाय इवनिंग, वो यहाँ शाम तक पहुंच जाएगा. बिल्कुल सिंपल, विल को उठाकर हम सामने लगा देंगे. विल ही रीच हेयर बाय इवनिंग, क्या वो शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा. नंबर फाइव, पीपल आर गोइंग टू कश्मीर दिस ईयर इन द समर, लोग कश्मीर जा रहे हैं इस गर्मी में इस साल. बिल्कुल सिंपल है, आर को उठाकर हम सामने रख देंगे. आर पीपल गोइंग टू कश्मीर दिस ईयर इन द समर, क्या लोग इस साल कश्मीर जा रहे हैं गर्मियों में.
नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है हमें उस पर टिक करना है। रानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट हीरोइन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम। फ्रीडम की क्या स्पेलिंग होती है? FREEDOM, फ्रीडम। तो ये सही है, इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है शी वॉज ब्यूटीफुल एंड फ्रील। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग हमें यहाँ चेक करना है, दो स्पेलिंग दी हुई है, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, BEAUTIFUL। नेक्स्ट है आफ्टर द ब्रिटिश टुक ओवर हर गवर्नमेंट, हर डेली रूटीन चेंज। गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? गवर्न और मेंट, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, इस पर हम टिक कर देंगे। नंबर फोर है द ब्रिटिश आर्मी हैड एनसर्कल्ड हर एंड हर मैन। ब्रिटिश आर्मी ने उसको और उसके आदमियों को घेर लिया था, एनसर्कल्ड। एनसर्कल्ड की स्पेलिंग में ई आता है, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड पावर, गिव एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम यानी अपोजिट, विरोधी शब्द हमें बताना है, जिद बताना है। फ्रीडम यानी आजादी, इसका उल्टा क्या होगा? गुलामी, स्लेवरी। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इसका उल्टा होगा फॉर्चुनेटली, किस्मत से। क्रूएल यानी होता है जालिम, इसका उल्टा होगा काइंड, दयालु। इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन, इसका उल्टा होगा पॉसिबल यानी मुमकिन। स्ट्रिक्ट यानी बहुत ही जो स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं, उसका उल्टा होगा अपोजिट, उसका एंटोनिम क्या होगा? लीनियंट, जो नरमिजाज होते हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, उसका एंटोनिम होगा अगली यानी बदसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाना है। आप अपने मर्जी से सेंटेंसेस बना सकते हैं, बल्कि बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दी जा रहे हैं। देखिए विडो, विडो यानी क्या होता है? बेवा। बेवा के बारे में यहाँ सेंटेंस बनाए। देखिए अ विडो विजिट हर हस्बैंड्स ग्रेव। एक विडो ने विजिट की उसके हस्बैंड की ग्रेव की, ग्रेव यानी कबर की। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड यानी क्या होता है? कोई बहुत ही एक अच्छी ऊंची हस्ती होती है। द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेजेंड। स्टोरी ऑफ किंग आर्थर की जो स्टोरी है वो एक एग्जाम्पल है, किस चीज का? एक लेजेंड का एग्जाम्पल है। एंटायर यानी पूरा का पूरा। द एंटायर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी योगा वगैरह जो होता है जिस तरीके से, उस तरीके के, इस चीज को मेडिटेशन कहते हैं। शी फाउंड पीस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, उसने योगा और मेडिटेशन के जरिए शांति हासिल की। नेक्स्ट चैंट। चैंट करना यानी किसी चीज का पाठ करना जो होता है, जैसे कि गीता रामायण वगैरह का, मंत्रों का पाठ करने को चैंट कहते हैं। द क्राउड वर चैंटिंग द नेम ऑफ देयर फुटबॉल टीम। जो क्राउड थी वो चैंट कर रही थी, रट रही थी, पाठ कर रही थी, किस चीज का? उनकी फुटबॉल टीम का, ऑफ देयर फुटबॉल टीम। एनसर्कल्ड यानी घेरा डालना, गोला बनाना। द हाउस इज एनसर्कल्ड बाय अ हाई फेंस। जो हाउस था, घर था, वो एक ऊंची फेंस के जरिए से घेरा गया था, एनसर्कल किया गया था। ब्लड, खून। द एक्सीडेंट विक्टिम हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। एक्सीडेंट विक्टिम का बहुत सारा खून ऑलरेडी बह चुका है। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन यानी निर्णय लेना। शी अनाउंस्ड हर डिसीजन टू गो टू मेडिकल स्कूल। उसने अपना डिसीजन अनाउंस किया, किस चीज का डिसीजन था वो? टू गो टू मेडिकल स्कूल, मेडिकल स्कूल जाने का डिसीजन। नेक्स्ट है फिर डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी जबरदस्त। द कंपनी इज नॉट डोमिनेंट इन इट्स मार्केट। जो कंपनी है वो अब डोमिनेंट हो गई है मार्केट में। डोमिनेंट यानी प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा ताकतवर या अपनी हैसियत ज्यादा रखने वाली। म्यूटिनी यानी क्रांति, बगावत। द म्यूटिनी वॉज लेड बाय द शिप्स कुक। जो बगावत थी वो शिप का जो कुक था उसके जरिए उसकी लीडिंग की गई थी, उसकी लीडरशिप की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यू योर टीचर विल स्पीक दीज वर्ड्स। टीचर आपके ये वर्ड बोलेंगे। लिसन टू द वर्ड्स एंड लर्न हाउ टू प्रोनाउंस। सुनिए ध्यान से और देखिए कैसे इन वर्ड्स को बोला जाता है। तो ये वर्ड पहला देखिए, पहला वर्ड है इंक्रीज। कैसे बोलेंगे इसे? इंक्रीज, ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए क्रीज। राइज, राइस, राइज और राइस। जो सन राइज होता है ये वो राइज है, और ये राइस यानी चावल है। नेक्स्ट है फिर पीज यानी मटर, और पीस यानी शांति। प्लेज यानी खेलता है, प्लेस यानी जगह का नाम है। ड्यूस और हाउस, ड्यूस एंड हाउस। मुसोलिनी जो था, बेनिटो मुसोलिनी, उसे ड्यूस कहा जाता था और उससे मिलता जुलता है देखिए हाउस। लेट अस कन्वर्स, चलिए कन्वर्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है दो लोगों के बीच में, आपको इसकी एक्टिंग करना है। नितिन और ग्रैंडमा, नितिन और उसकी दादी माँ के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। क्वेश्चन है एनेक्ट आउट दिस कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर। ये जो कन्वर्सेशन दिया हुआ है इसे अपने पार्टनर के साथ एनेक्ट कीजिए, मतलब इसकी एक्टिंग कीजिए। नितिन क्या बोल रहा है? ग्रैंडमा हु वॉज लाल बहादुर शास्त्री। ग्रैंडमा लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ग्रैंडमा क्या बता रही है उनको? माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री वॉज इंडिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। भूतपूर्व यानी जो पहले रह चुका है, उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मर। फार्मर नहीं, फार्मर यानी किसान होता है, ये फॉर्मर है। नेक्स्ट नितिन, नितिन क्या कहता है? Why is लाल बहादुर शास्त्री कंसिडर्ड अ ग्रेट मैन? लाल बहादुर शास्त्री को एक ग्रेट मैन क्यों कहा जाता है?
अब ग्रैंड माँ उसे बताती हैं, ही इज कंसीडर्ड अ ग्रेट मैन बिकॉज, उन्हें ग्रेट मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही वॉज अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल थे वो, एंड हम्बल, बहुत ही नर्म मिजाज थे, हम्बल मैन. ही वॉज सेल्फ लेस, वो स्वार्थी नहीं थे, एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स, और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते थे. नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ फोर फेमस इंडियन क्वींस, इंडिया की चार फेमस क्वींस के नाम लिखना है. तो बहुत सारी क्वींस गुजरी इंडिया में, आप अपने हिसाब से चार नाम लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर जो चार नाम लिखे हैं वो है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, रानी पद्मिनी ऑफ चित्तौर, और रानी रुद्रमा देवी ऑफ वारंगल, एंड महारानी ताराबाई ऑफ मराठा एम्पायर. लर्निंग प्रैक्टिस है, इसे जो बाद में देखेंगे हम इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.